नमस्कार दोस्तों, केवल पैसा कमाना ही आपका सपना है या यूं कह सकते हैं छोटे से बिजनेस के थ्रू यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं, अनपढ़ हैं, गांव से हैं, एक व्हीकल रखते हैं आप, चाहे वो ट्रक हो, चाहे ट्रैक्टर हो या कोई छोटी गाड़ी हो, पिकअप जिसको बोला करते हैं, यदि ये साधन आपके पास है, एक आपके पास मजदूर हो या आपका भाई हो काम करने वाला, यदि ये सारी व्यवस्था है, आप जुझारू प्रवृत्ति के आदमी हैं, तो आज मैं आपको जो बिजनेस बताने जा रहा हूँ वो बिजनेस आप करके एक बोरा बेच करके 150 रुपए कमा सकते हो। यदि आप दिन में 100 बोरे बेच दिए, 50 बोरे बेच दिए, 60 बोरे बेच दिए, तो आप देख लीजिए कितना कमा सकते हो। और इससे भी ज्यादा आपके बेचने की ताकत होनी चाहिए। बेचना भी एक कला है और ये हर किसी को नहीं आता। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। ये टेम्परेरी बिजनेस हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं, टाइम के हिसाब से होते हैं और इन बिजनेस को बार बार बदला जा सकता है। कभी ये बिजनेस कर लिया, कभी कोई दूसरा बिजनेस कर लिया। ऐसे बिजनेस हैं जिनको आप कर सकते हो। ऑनियन बिजनेस, प्याज का बिजनेस, प्याज का होलसेल बिजनेस, जहाँ प्याज की अच्छी उपज होती है वहाँ किसानों के यहाँ से आप यदि प्याज होलसेल में खरीद लेते हैं तो वो प्याज आपको 4 से 5 रुपए किलो में मिल जाता है। और 4 से 5 रुपए किलो में जो प्याज आपको मिलता है, 1-1.5 रुपए आपका किराया लग जाता है। और ऐसी स्थिति में ये 6-6.5 रुपए किलो के आसपास आपके पड़ जाता है। और जब आप ला करके उसको बेचते हैं तो ये 12 रुपए, 14 रुपए, 13 रुपए, 15 रुपए जैसी स्थिति होती है उसके हिसाब से, पर केजी के हिसाब से बिकता है। ये प्याज के बैग्स जो आते हैं वो 50 किलो के आते हैं और 50 किलो में आपको 5 रुपए भी मिलते हैं एक केजी में, तो आपको 150 रुपए पर बैग मिलते हैं। अब तय आपको करना है कि आप कौन से शहर से लाते हैं और कौन से शहर में या गांव में ला करके बेचते हैं। यदि ये बिजनेस आपने कर लिया, मान लीजिए आपके पास एक पिकअप है, आप 200 किलोमीटर दूर से कहीं से प्याज खरीद कर ला करके गांव में बेचते हैं, शहर की गलियों में बेचते हैं, आवाज लगा लगा कर बेचते हैं, प्याज ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, काफी लोग बोलते हैं सीकर के प्याज हैं, सीकर के प्याज हैं, सीकर के प्याज हैं, और जहां के प्याज अच्छे होते हैं वहां की क्वालिटी का वो नाम लेते हैं और बेचते हैं और वहीं से लाते हैं। अच्छी क्वालिटी का प्याज बहुत अच्छी डिमांड होती है। और जिन लोगों ने होलसेल में ये बिजनेस कर लिया, या यूं कह सकते हैं 3-4 महीने स्टोरेज करके जिन लोगों ने इस बिजनेस को किया है, वो बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। 5 रुपए किलो प्याज लिया हुआ प्याज यदि आपने 3 महीने रोक लिया तो प्याज 50 रुपए किलो हो सकता है, प्याज 60 रुपए किलो हो सकता है, इवन 70-80 रुपए किलो हो जाता है और कई कई बार तो प्याज 100 रुपए किलो भी बिकते हुए देखा गया है। यदि आप ये बिजनेस करते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, स्टोरेज आपको जचाना पड़ता है। स्टोरेज के लिए आप अपने घर में बना सकते हैं, आप अपने गोदाम के आसपास बना सकते हैं, आप अपने खेत खलिहान में भी ये स्टोरेज बना सकते हैं। इसमें आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्टोरेज कैसे बनाया जाता है, एक मैंने वीडियो पहले बनाया था, उस वीडियो में मैंने पूरी बात बताई है। आप भी ये बिजनेस करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। नमस्कार।